नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार हूँ, यहाँ राज अस्पताल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। गर्मियों का मौसम आ चुका है, किडनी में स्टोन होना एक सामान्य बात है। जनरली बड़े स्टोन जो कि पेशेंट को पेन करता है, उसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट RIRS या PCNL या ओपन सर्जरी के माध्यम से करते हैं। परंतु जब स्टोन काफी छोटा होता है और ये साइलेंटली किडनी में पड़ा होता है तो इसकी ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक जब तक कि ये यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ना करे या फिर पेन करे। आज हम एक ऐसे कंडीशन के बारे में, किडनी स्टोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि स्टोन जिसमें काफी छोटा था परंतु मरीज को काफी दिनों से पेन महसूस हो रहा था। जो भी अवेलेबल इन्वेस्टिगेशन है जैसे कि CT योग्राफी है, उससे ये साबित हुआ कि पेशेंट का स्टोन जो है साइलेंटली किडनी में पड़ा है और ये ऑब्स्ट्रक्टिव नहीं दिख रहा था। परंतु हम लोगों ने उसका RIRS प्लान किया, जिसमें हम लोगों ने पाया कि ये एक इनफंडिबुलर स्टेनोसिस विथ कैलिशियल डायवर्टिकुलर स्टोन है और इसका हम लोग सफलतापूर्वक RIRS के माध्यम से यानी कि रेट्रोग्रेड इंट्रावेनस सर्जरी के माध्यम से इसका इलाज हम लोगों ने सफलतापूर्वक किया। क्योंकि